जय सेवा जय गोंडाना सगाजनों, सभी गोंडाना वासियों का गोंडास गुंडलम पे चैनल पर स्वागत है। सगाजनों, आज के पार्ट्स थर्ड में हम अड़ाना किरापत के बारे में डिटेल्स में पढ़ने की कोशिश करेंगे। इससे पहले हमने पार्ट्स वन और पार्ट्स टू ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जैसे कि पार्ट्स वन में हम वर्कमान यानी उत्तम पुरुष के लिए पढ़े हैं, फिर उसके बाद में आता है रेयकमान। रेयकमान में जैसे कि हम मध्यम पुरुष के लिए पढ़ चुके हैं, मध्यम पुरुष में यानी सेकंड पार्ट्स में पढ़े थे हमने। इसमें भी हम एकवचनी और बहुवचनी सेंटेंस किस प्रकार से बनते हैं इसके ऊपर भी हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फिर उसके बाद में हम जैसे कि मोकमान के लिए भी हम कुछ सेंटेंस पढ़े थे, जैसे कि इसमें भी एकवचनी और बहुवचनी के लिए पढ़े थे। जैसे कि इसमें हमने जो पुरुषलिंग जो कर्ता होता है उनके लिए हमने पढ़े थे, फिर उसमें भी हम बहुवचनी के लिए पढ़े थे। तो सगाजनों, आज जो हम मोहकमान में जैसे कि हम स्त्री के लिए पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में हम महिलाओं के लिए भी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में हम जैसे कि जो न्यूटर अपने वाले सर्वनाम होते हैं उनके अनुसार वाक्य की रचना किस प्रकार से होती है, यानी प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस में इसकी रचना किस प्रकार से बनती है, इसको भी हम डिटेल्स में पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो जिस प्रकार प्रेजेंट टेंस में अपना वाला एक सेपरेट एक क्रियापद होता है, फिर उसके बाद में पास्ट टेंस में भी अपना वाला एक सेपरेट क्रियापद होता है, इसको भी हम डिटेल्स में पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो सगाजनों, आज के इस वीडियो में हम जैसे कि माइलेना का मतलब होता है स्त्रीलिंग, और इसमें देखिए अभी उंदी वड़की का मतलब होता है एकवचन। तो सगाजनों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक की गुंडी लैंग्वेज की किताबें परचेस नहीं किए होंगे तो प्लीज़ परचेस कर लीजिएगा। आप लोगों को मैंने कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ, आप लोग उस पर कॉल करिए, आप लोगों को घर बैठे आसानी से किताब मिल जाएंगी। ज़्यादा प्राइस नहीं, उसके वाली 150 रुपीज़ की प्राइस है, आप लोग आसानी से उसे खरीद सकते हो। तो सगाजनों, अगर आपने अभी तक के चैनल को गोंडवाना गुंडी लैंग्वेज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए, जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिए, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करिए। तो देखिए अभी तो इसमें हम प्रेजेंट टेंस में क्रियापद की रचना कैसे होती है और भूतकाल में भी यानी पास्ट टेंस में भी इसकी रचना किस प्रकार से होती है इसको हम पढ़ते हैं अभी। तो एक तरफ लिया हूँ मैंने नेटाइबेरो यानी वर्तमान काल, दूसरी तरफ लिया हूँ नीटाइबेरो यानी इसका मतलब होता है भूतकाल। ओके, इस बाजू में आपको इस लाइन इधर में आपको प्रेजेंट टेंस वाले सेंटेंस दिखेंगे और इधर आपको पास्ट टेंस वाले। इसमें आपको जैसे कि आप दोनों प्रकार के क्रियापदों को पढ़ सकते हैं, है ना। हालांकि अपना जो कर्ता जो एक ही रहेगा और क्रियापद जो है अपना वाला चेंज होगा। क्रियापद कैसा चेंज होगा वो प्रत्येक कर्ता के अनुसार प्रत्येक क्रियापद अपना वाला चेंज होता है। जिस प्रकार प्रेजेंट टेंस में चेंज होता है उसी प्रकार पास्ट टेंस में भी चेंज होता है। तो उसी प्रकार अपना फ्यूचर टेंस में भी अपना वाला क्रियापद होता है चेंज। तो सगाजनों, गुंडी भाषा में चारों प्रकार के क्रियापद बनते हैं, इसको हम यानी एक एक करके पढ़ने की कोशिश करते हैं। ओके, तो अभी देखिए जैसे कि अभी मैंने इसको बहुत ज़बरदस्त लिखा हो, अभी इसमें आप लोगों के लिए सूत्र भी डाल दिया हो। जैसे कि सुर का मतलब होता है सूत्र। सूत्रों में देखिए अभी कयोमियाल प्लस साधा से न्यूजे क्या तो क्रियाभेद यानी इसका मतलब होता है। कयोमियाल का मतलब होता है कर्ता होता है यानी सब्जेक्ट होता है, फिर उसके बाद में साधा से न्यूजे क्या तो क्रियाभेद इसका मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब यानी सहायकारी क्रियापद। ओके, यहाँ पे लिखा हूँ मैं जैसे कयोमियाल का मतलब होता है कर्ता, साधा से न्यूजे का मतलब होता है सहायक क्रियापद। ओके, तो अभी देखिए हम पास्ट टेंस में हम क्रियापद की रचना किस प्रकार से होती है इसको पढ़ेंगे सिर्फ। ओके, इसको छोड़ देंगे, आप लोग वीडियो को रिवाइज करके पुनः देखने की कोशिश करेगा प्रेजेंट टेंस में इसकी रचना कैसी होती है, पास्ट टेंस में इसकी रचना कैसी होती है। पास्ट टेंस वाले मैं आप लोगों को सिखा दूंगा। जैसे कि अभी यहाँ पे देखिए एक इंग्लिश वाला भी मैंने यहाँ पे ट्रिक लिया हूँ, फार्मूला सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। ओके, तो अभी देखिए यहाँ पे कयुमियाल क्या अपना वाला अद या तो उद। ओके, फिर उसके बाद में साधा सीन विजय क्या अपना वाला मत्ता या तो मत्तू। ओके, तो इसका अध्या उद का मतलब होता है वह। ये क्या एक इसके लिए यूज करते हैं अपन जो अपने यानी ये थर्ड व्यक्ति के लिए यूज करते हैं यानी वो स्त्री है, स्त्री के लिए हम अध्या तो उद सर्वनाम का यूज करते हैं यानी कर्ता का यूज करते हैं। फिर उसके बाद में देखिए मत्ता या मत्तू इसका मतलब होता है थी। ओके, ये अपना वाला सहायकारी क्रियापद है, आप लोग दोनों में से कोई भी एक यूज कर सकते हैं। जैसे कि अभी देखिए ये होने के बाद आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि भाई प्रेजेंट टेंस में या तो पास्ट टेंस में कर्ता और क्रियापद की रचना कैसी होती है इसको हमें ध्यान में रखना है। ओके ना, इसी के बेस पर अपन मेन क्रियापद के साथ हम कोई भी सेंटेंस आसानी से हल कर सकते हैं।
तो अभी देखिए सेकंड सुर देखिए, यानी सुर का मतलब होता है सूत्र। फिर अभी यहाँ पे देखिए कयुमियाल, कयुमियाल का मतलब होता है यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट, इंग्लिश में सब्जेक्ट होता है, हिंदी में कर्ता होता है। फिर उसके बाद में मुख्याल नियोजक, मुख्याल नियोजक का मतलब इंग्लिश में मेन वर्ब। फिर उसके बाद में हिंदी में देखिए मुख्य क्रियापद। थर्ड में देखिए सादासीय नियोजक यानी हेल्पिंग वर्ब, इंग्लिश में देखिए सहायक कार्य क्रियापद। ओके तो अभी देखिए, अभी हमारा कयुमियाल क्या हमारा अध है, फिर उसके बाद में मुख्याल नियोजक है अड़ा, फिर उसके बाद में सादासीय नियोजक है हमारा यहाँ पे मत्ता या तो मत्तू। ओके ये जो हमारा एकवचनी सहायक कार्य क्रियापद है मत्ता या तो मत्तू, एकवचनी सहायक कार्य क्रियापद है जैसे कि वह ऊपर बताया हूँ मैं। अभी देखिए अध अड़ा है ना प्लस मत्ता या तो मत्तू, इसमें से आप लोग जैसे कि ये मत्ता या मत्तू जो है ना इसको हम दो भागों में विभाजित करेंगे, म प्लस ता या तो तू। ओके तो इसका जो अभी देखिए सबसे पहले अभी हम क्या लेंगे, सब्जेक्ट लेंगे, सब्जेक्ट क्या हमारा अध या तो उद। ओके फिर उसके बाद में मेन वर्ब देखिए हमारा अड़ा, अड़ा क्या है मेन वर्ब है हमारा यानी मुख्याल नियोजक है, मुख्याल नियोजक का हम आ सुर निकाल देते हैं, रा का हम आ सुर निकाल देते हैं, सिर्फ उड़ लेते हैं। ओके फिर उसके बाद में ता प्रत्यय जोड़ते हैं, सहायक कार्य क्रियापद का ता प्रत्यय जोड़ते हैं, अड़त्ता है ना अध अड़त्ता या तो उद अड़त्ता यानी वह रोई। ओके ये जो सेंटेंस है पास्ट टेंस के लिए है, अगर आपको ये लगाना है ये सहायक कार्य क्रियापद लेना है जैसे कि तू है ना, म को हटाना है तू को लेना है, तो जैसे कि अभी यहाँ पे देखिए अध अड़त्तू है ना अध अड़त्तू। ओके यहाँ पर आपको मुख्याल, यहाँ पर आपको कयुमियाल भी मिल गया, मुख्याल नियोजक भी मिल गया, फिर उसके बाद में क्या मिल गया आपको एक सहायक कार्य क्रियापद भी मिल गया। ओके ना तो जैसे कि अध अड़त्तू या तो उद अड़त्तू यानी इसका मतलब होता है वह रोई। ओके वह रोई, वह रोई। ओके तो सगाजनों अभी देखिए जैसे कि अभी हम बहुवचन के लिए पढ़ते हैं, बहुवचन में देखिए सबसे पहले कयुमियाल, कयुमियाल प्लस सादासीय नियोजक या तो क्रियाभेद यानी कयुमियाल का मतलब करता, सादासीय नियोजक या तो क्रियाभेद का मतलब होता है सहायक क्रियापद। अभी यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, हमारा सब्जेक्ट क्या है अव या तो उ। ओके कयुमियाल क्या अव या तो उ, फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब मत्तांग, मत्तांग का मतलब होता है थी। ओके यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा, अव मत्तांग का मतलब वे थी है ना, वे थी। ओके या तो वे थे, इस प्रकार से आप मत्तांग के बदले में मत्तुम भी यूज कर सकते हैं। तो अभी देखिए सेकंड सूत्र देखिए मुख्य क्रियापद के साथ कयुमियाल प्लस मुख्याल नियोजक प्लस सादासीय नियोजक। ओके तो अभी यहाँ पे हमारा जैसे कि सगाजन भी यहाँ पर देखिए हमारा सब्जेक्ट क्या है, कयुमियाल क्या हमारा अव या तो वो है, फिर उसके बाद में मेन वर्ब है अपना ला अड़ा, फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब है अपना मत्तांग या तो मत्तुंग। ओके तो अभी मत्तांग या तो मत्तुंग को हम दो भागों में विभाजित करेंगे, म प्लस तांग या तो तुंग। ओके इसको मैंने अंडरलाइन किया हो या आपको मुख्य क्रियापद के साथ लेना है, हमारा कयुमियाल क्या है अव है, फिर अड़तांग सॉरी अड़ अड़ा, अड़ा क्या हमारा मुख्य क्रियापद है, यहाँ पे अड़ा मुख्य क्रियापद है, अड़ा का हम अड़ कर देते सिर्फ उसके बाद में तांग प्रत्यय जोड़ते हैं। ओके तो ये कैसा बनेगा हमारा सेंटेंस, अव अड़तांग या तो अ अड़तुंग। ओके अव अड़तांग या तो अ अड़तुंग। ओके तो यानी इसका मतलब होता है वे रोई या तो वे रोए। तो सगाजनों अभी जो पढ़े हमने जैसे कि दूर के स्त्री के लिए पढ़े, अभी जो हमारे पास में स्त्री है तो उनके लिए पढ़ेंगे हम उंदी वड़की का मतलब होता है एकवचन या तो उंदी वचन का मतलब होता है एकवचन। अभी आप एक कयुमियाल प्लस सादासीय नियोजक या तो क्रियाभेद कर्ता प्लस सहायक कार्य क्रियापद। अभी सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, अभी हमारा सब्जेक्ट है अभी यहाँ पे हमारा ईद है। ओके ईद है, फिर उसके बाद में मत्ता या तो मत्तू सहायक कार्य क्रियापद है। तो अभी मुख्य क्रियापद के साथ देखिए कयुमियाल प्लस मुख्याल नियोजक प्लस सादासीय नियोजक। ओके तो अभी यहाँ पे हिंदी में दिया हो सका जो आप लोगों को, क्या फिर इंग्लिश में भी दिया हो, आप लोग इसे आसानी से अपने कॉपी में लिख सकते हैं और कोई भी क्रियापद की आप रचना कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे कयुमियाल क्या हमारा ईद है, फिर मुख्याल नियोजक क्या हमारा अड़ा है, फिर सादासीय नियोजक क्या हमारा मत्ता या तो मत्तू है। ओके तो अभी जैसे कि सगाजनों मत्ता को हम दो भागों में विभाजित करेंगे, म प्लस ता या तो तू। ओके तो अभी मुख्य क्रियापद के साथ देखिए अड़, अड़ के बाद हम तू प्रत्यय जोड़ेंगे आप, जैसे कि एक ऐसा बनता अभी ईद अड़त्तू यानी यह रोई। ओके
अभी देखिए माइलेना यानी स्त्रीलिंग, माइलेना का मतलब होता है स्त्रीलिंग। ओके माइलेना ये जो है वेलवड़के यानी बहुवचन के लिए है, जो कि हम हमारे पास में जैसे कि एक से ज़्यादा महिला है उनके लिए हम ये सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि कोइमियाल प्लस सदस्य न्यूज है, या कोइमियाल के हमारा यू है फिर उसके बाद में मत्ता गया तो मत्तुम के हमारा सदस्य न्यूजेक है यानी सहायकारी क्रियापद है, यू मत्ता यानी इसका मतलब होता है वे थे या तो वे थी। ओके वे यू का मतलब होता है वे, मत्ता गया मत्तुम का मतलब होता है थी। फिर उसके बाद में मुख्य क्रियापद के साथ हमारा सूत्र कैसा जुड़ता है, सुर कैसा जुड़ता है, कोइमियाल प्लस मुख्य न्यूजेक प्लस सदस्य न्यूजेक यानी इसमें हमारा कोयुमियाल हमारा यू, फिर उसके बाद में मुख्य न्यूजक है अड़ा, फिर उसके बाद में सदस्य न्यूजक क्या हमारा मत्तांग या तो मत्तुंग। ओके मत्तांग या मत्तुंग को आपको दो भागों में विभाजित करना है, म प्लस तांग या तो तुंग, फिर यू हमारा सब्जेक्ट है, अड़ा क्या है मुख्य क्रियापद है, उसके बाद में तांग या तो तुंग क्या है हमारा प्रत्यय है, ये कैसा होगा फिर यू अड़तांग, दोनों को कंबाइन करना है सगाजन यहाँ पे यू अड़तांग यानी ए रोई या तो ए रोई। तो अभी देखिए बहुवचन, बहुवचन के लिए सभी के लिए यानी थर्ड पर्सन में, जैसे कि यहाँ पे देखिए नेटाबेरो का मतलब वर्तमान का, नेटाबेरो का मतलब भूतकाल, जैसे कि कोयमियाल प्लस सदस्य न्यूजेक या तो क्रियाभेद यानी कर्ता प्लस सहायकर क्रियापद, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट है हमारा युग, इसमें क्या करना है अभी पहले क्या लिया था हमने यू, अभी इसमें क्या करेंगे हम क प्रत्यय जोड़ेंगे, ये क्या बहुवचन, इसमें सभी आ जाते, पुरुष भी आ जाते हैं, स्त्रियाँ भी आ जाती हैं, और जो भी न्यूटर चीज़ें होती है जैसे कि पेड़ पौधे पशु पक्षियों के लिए हम ये वाला, जैसे कि ये वाला क्या बोलते हैं इसको सब्जेक्ट ये वाला यूज कर सकते हैं। ओके फिर उसके बाद में मत्तांग या तो मत्तुंग यानी इसका मतलब होता है थे, जैसे कि युक मत्तांग यानी इसका मतलब होता है ये थे या तो थी। फिर मुख्य क्रियापद के साथ देखिए ट्रिक कैसा बनता है अपना ला, कोइमियाल प्लस मुख्याल न्यूजेक प्लस सदस्य न्यूजेक, जैसे कि यहाँ पे देखिए अभी जैसे कि कोइमियाल क्या हमारा युग है, फिर उसके उसके बाद मुख्याल न्यूजेक क्या अड़ा है, सदस्य न्यूजेक क्या हमारा मत्तांग या तो मत्तुंग है, जैसे कि मत्तांग को हम दो भागों में विभाजित किया म प्लस तांग, अभी सब्जेक्ट युग, फिर उसके बाद में अड़ा को र कर दिया हमने, फिर उसके बाद में तांग प्रत्यय जोड़ा, इसको ये कैसा होगा फिर यू कड़क तांग है ना, इसको कैसा बोलना आपको यू कड़क तांग यानी ए रोही है ना, मान लीजिए हमें न्यूटर में इसको यूज करने का रहा है, जैसे कि ये कुत्ते रोए है ना, ये कुत्ते रोए तो ये कैसा बनेगा सेंटेंस अभी युग नैक अड़तांग है ना, युग नैक अड़तांग इस प्रकार से यानी ये कुत्ते रोए। तो अभी देखिए वो क्या होगा पास के लिए, अभी देखिए दूर के लिए, जैसे कि वेल वड़के है तो वेल्ले बचन का मतलब होता है बहुवचन, नेटाबेरो वर्तमान का, नेटाबेरो भूतकाल। तो यहाँ पे देखिए कोयुमियाल प्लस सदस्य न्यूजेक या तो क्रियाभेद, अभी हमारे यहाँ पे सूर्य देखिए सूत्र क्या है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट है हमारा युग, तो सगाजन यहाँ पे औपचयिता, ओके औपचयिता मैंने गलत लिख दिया हो, इसको मैं बाद में चेंज कर दूंगा। फिर उसके बाद में मत्तांग क्या हमारा हेल्पिंग वर्ब है, मुख्याल क्रियापद के साथ देखिए अभी ट्रिक कैसा बनता है, कोयुमियाल प्लस मुख्याल न्यूजेक प्लस सदस्य न्यूजेक यानी इसका मतलब क्या होता है, कोइमियाल का मतलब सब्जेक्ट प्लस मुख्याल न्यूजेक का मतलब मेन वर्ब प्लस सदस्य न्यूजेक का मतलब हेल्पिंग वर्ब। अभी यहाँ पे कर्ता क्या हमारा यू है, तो सगाजन यहाँ पे जैसे कि यू है ना, तो सगाजनो अभी यहाँ पे देखिए जैसे कि ओक है ना, तो इसको मैंने चेंज करना था, जैसे कि यहाँ पे ओक जो है ना वही यहाँ पे सब्जेक्ट चाहता, मैंने इसको चेंज नहीं किया हो। अभी देखिए ओक ओक प्लस मत्तांग यानी वे थे, ओके ये जो क्या होगा वे थे, इसका मतलब क्या था ओक का मतलब वे और मत्तांग का मतलब थे। अभी मुख्याल अभी देखिए मुख्याल न्यूजेक के साथ अभी यहाँ पे ओक चाहिए, ओके ना यहाँ पर भी ओक चाहिए और अड़ा प्लस क्रियापद वही रहेगा हमारा है ना, अभी ओक प्लस अड़ा प्लस मत्तांग, तो इसमें देखिए अभी ओक अड़तांग या तो अड़तुंग यानी इसका मतलब होता है वे रोए, ओके इसको मैंने चेंज नहीं किया हूँ। तो अभी देखिए सगाजनो अभी जो हमारे जैसे कि जो नपुंसक लिंग होते हैं जैसे कि पेड़ पौधे पशु पक्षी के लिए, उनको देखिए उनकी रचना किस प्रकार से होती है, जैसे कि अभी देखिए उंदीवड़की यानी एकोचन,
और इससे पहले हमने पढ़े बहुवचन के लिए, ओके वो भी सभी के लिए आ जाता है, जैसे कि कर्मियाल प्लस साधा संयोजक यानी कर्ता प्लस सहायकारी क्रियापद, इसमें देखिए सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। अभी हमारा सब्जेक्ट क्या होता है, न्यूट्रल वस्तु के लिए, जैसे कि हम बोलते हैं ना हाथ रोन मनता, कुछ कुछ क्षेत्रों में इसको हाथ को अधि बोलते हैं, है ना। तो जो भी न्यूट्रल वस्तु होती है उसके लिए हम हाथ यूज करते हैं, हाथ सब्जेक्ट यूज करते हैं दूर के लिए। तो अभी सब्जेक्ट क्या हमारा हाथ है, हेल्पिंग वर्ब क्या हमारा मत्तुर है, तो मत्ता, ओके। तो इसमें भी हम जैसे कि वो पुरुषलिंग का टाइप का है, मान लीजिए कोई जानवर है वो पुरुषलिंग का टाइप का है तो उसके लिए हम मत्तुर यूज करते हैं। अगर वो पुरुष यानी स्त्रीलिंग का टाइप की कोई प्राणी होगा तो उसके लिए हम मत्ता है तो मत्तु यूज करते हैं, ओके। तो अभी मुख्य क्रियापद के साथ देखिए, कयुम्याल है हमारा हाद है, कयुम्याल हमारा हाद है, मुख्याल नियोजक हमारा अड़ा है, सादासी नियोजक हमारा मत्तुर है, ओके। तो अभी जैसे कि अड़ा को हमने रह कर दिया, फिर उसके बाद में मत्तुर को हमने दो भागों में विभाजित किए हैं, जैसे कि म प्लस तोर, तो ये कैसा होगा फिर हाद अड़त्तुर, हाद अड़त्तुर या तो हाद अड़त्तुर, यानी इसका मतलब होता है वह रोया। अगर हम जैसे कि इसमें हम हाद अड़त्तु, ओके ना, तो हम ऊपर वाला जो ये जो है ना मत्ता, ओके मत्ता या तो मत्तु, तो इसको हम दो भागों में विभाजित करेंगे, यहाँ पर म प्लस तू, ओके। तो तू को हम लेंगे हाद अड़त्तु यानी वह रोई, वह कुत्ती रोई, इस प्रकार से बोलते हैं ना, हा सिट्टी नाय अड़त्तु, ओके। जैसे कि यहाँ पे देखिए हाद नाय अड़त्तुर यानी वह कुत्ता रोया। तो सका जो ना वीडियो के अंत में आप लोगों के लिए मैं एक सेंटेंस छोड़ूंगा, एक दो सेंटेंस पूछूंगा, आप लोग उसका रिप्लाई मुझे जरूर देना। तो अभी देखिए उंदी वर्की यानी एक क्वेश्चन के लिए, अभी जैसे कि पास के लिए सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, जैसे कि सब्जेक्ट है हमारा हिद है, हेल्पिंग वर्ब है हमारा मत्तुर है तो मत्ता, इसका मतलब होता है यह था, हित का मतलब यह होता है, मत्तुर का मतलब था या तो मत्तुर का मतलब था, मत्ता का मतलब थी। अभी मुख्य क्रियापद के साथ देखिए, जैसे कि मुख्य क्रियापद है हमारे यहाँ पे क्या हमारा सब्जेक्ट कयुम्याल क्या हमारा हिद है, मुख्याल नियोजक है हमारा अड़ा है, और मत्तुर क्या हमारा सहायकारी क्रियापद है। अभी देखिए हिद अड़त्तुर, मत्तुर का हमने दो भागों में विभाजित किया हु म प्लस तोर, यानी इसका मतलब होता है यह रोया। अभी आप एग्जाम्पल देखिए किस प्रकार से लिखा हूँ मैंने, हिद नय अड़त्तुर यानी इसका मतलब होता है यह कुत्ता रोया, है ना। अभी यहाँ पे सिट्टी नाय का मतलब देखिए कुत्ती होती है, कुतिया होती है। अभी यहाँ पे देखिए हिद सिट्टी नाय अड़त्तु, है ना, यहाँ पे लिखा नहीं हूँ मैं अड़त्तु, ओके ना। तो उसको क्या बोलेंगे हम, यह कुतिया रोई। ये सेंटेंस किसके लिए पढ़े सका जुन हमने, जैसे कि पास्ट टेंस के लिए, ओके ना। जैसे कि आप लोगों के लिए एक दो प्रश्न पूछूंगा मैं आप लोगों के लिए, आप लोग उसका वाला जवाब जरूर दीजिएगा। जैसे कि मैं बोलता हूँ अद विहत्तु यानी इसका मतलब बता दीजिए मुझे आप लोग। और दूसरा एक है जैसे कि और अड़त्तुर यानी दोनों का मतलब बता दीजिए, दोनों का हिंदी भाषा में मतलब क्या होता है। तो सगाजनों अगर आपको इसमें कुछ डाउट लगता है तो आप लोग जरूर कमेंट्स बॉक्स में मुझे मैसेज करिए, मैं आप लोगों को उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए पूरा डिटेल्स में आप लोगों के लिए पूरा ग्रामेटिकली रूल से पूरे सेंटेंस लेकर आया हूँ, क्योंकि आप लोगों ने अभी तक की गुंडी भाषा के कुछ कुछ शब्द सुने नहीं होंगे, वो सारे शब्द मैंने खोज कर निकाला हूँ आप लोगों के लिए, मैं पूरा गुंडी ग्रामर सिखा दूंगा, है ना। तो सगा जो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय सेवा, जय गोंडाना, जय जवाहर और जय परसापेन।